तो गाइज आई एम अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इनविजिबल मैन का थर्ड चैप्टर जो कि है द थाउजेंड्स एंड वन बॉटल्स। ठीक है, इससे पहले वाले दो चैप्टर हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने देखा था कि एक स्ट्रेंजर आता है इनके अंदर जो कि मिसेज हॉल उसकी मालकिन है, वो अपने एक रूम मांगता है और उसको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए। अब इस प्राइवेसी को लेके सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि कैसे उसके लिए यही प्राइवेसी एक प्रॉब्लम बन जाती है कि लोग उसके लिए कैसे बातें बनाने लगते हैं। ठीक है, मतलब लोगों को लगता है क्यों इसको अपनी इतनी प्राइवेसी चाहिए, क्यों ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, कि क्या इसने कोई गलत काम तो नहीं किया, क्या ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है। तो ये सब होता है सेकंड चैप्टर में। और वो पिछले दो चैप्टर से मिसेज हॉल से बोल रहा था कि मेरा सामान मंगवा दो क्योंकि उसमें मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मेरा सामान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो जल्दी जल्दी मंगवा दो। तो मिसेज हॉल उसको अश्योर कर रही थी कि आपका सामान जल्दी आ जाएगा, जैसे स्नो जो है रोड से हट जाएंगी और थोड़ा मौसम सही होगा तो हम आपका सामान मंगवा देंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो स्ट्रेंजर है उसका सामान आ जाता है और उस सामान के अंदर जो है काफ़ी सारे बुक्स हैं, मतलब एक कार्टून भरा हुआ है बुक से, फिर लेबोरेटरी के सामान हैं, फिर फ्लास्क हैं, बॉटल्स हैं, स्ट्रॉज हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे कि केमिस्ट्री लैब ही भर के आ गया हो उस कार्ट में। और जो कार्ट को लेके आया है उसका नाम था फेरेंसाइड और उसके पास था एक डॉग। ठीक है, उसके बाद ये जो कार्ट है काफ़ी ज़्यादा फिल्ड है, तो स्ट्रेंजर जो है उसकी हेल्प करने के लिए, मतलब अपना सामान उतरवाने के लिए बाहर आता है इनसे। तो जैसे ही वो बाहर आता है तो जो उसका डॉग होता है फेरेंसाइड का, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद जो उसके पैर के ऊपर पकड़ लेता है डॉग और उसकी पैंट फाड़ देता है, ट्राउजर जो होती है उसकी, उसको रिप्ड कर देता है। ठीक है, फिर इतना होते ही जो क्या है हमारा स्ट्रेंजर है वो भागता भागता अंदर चला जाता है अपने रूम के अंदर ताकि कोई उसको देख न ले, क्योंकि कुछ गड़बड़ होगी तभी वो कुछ छुपा रहा है। तो इस चीज़ से वो बचने के लिए वो अपने रूम के अंदर भागता है। वहाँ से मिस्टर हॉल देखते हैं कि हाँ क्या हो गया है, मतलब कुछ इसको हेल्प तो नहीं चाहिए, अगर काट लिया है तो कुछ ज़रूरत तो होगी, मतलब मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत तो नहीं। तो वो उसकी हेल्प के लिए पीछे पीछे जाते हैं कि हाँ भाई हेल्प कर देंगे हम। तो जैसे ही मिस्टर हॉल जाने की कोशिश करते हैं जो स्ट्रेंजर है उनको धक्का दे देते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि मुझे धक्का क्यों दिया है ये सब। और कुछ देर बाद जो है स्ट्रेंजर वो अपना ट्राउज़र चेंज करके बाहर निकलता है और बोलता है कि मेरा सामान अंदर रखो। तो क्या करता है वो, जैसे उसका सामान उसके अंदर आता है रूम के अंदर, तो वो एक एक्साइटमेंट में सारा सामान एक साथ निकालने की कोशिश करता है और सब एक साथ निकाल निकाल के रखता रहता है, लाइन वाइज रो में रखता रहता है। और क्या होता है पूरा रूम जो है वो सामान से भर जाता है इधर उधर से और पूरा जो रूम है वो अब वो केमिस्ट शॉप की तरह नज़र आता है। और फिर जो है वो अपने बॉक्सेस से अलग अलग टाइप शेप के और अलग अलग साइज़ के बॉटल्स निकालता है, किसी बॉटल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कोई वाइट फ्लूइड बॉटल है, किसी के ऊपर पॉइजन लिखा हुआ है, कोई वाइन बॉटल है, कोई ऑयल सैलाइड बॉटल्स है। तो ये अलग अलग तरीके के बॉटल्स वो बाहर निकालता है, फिर वो कुछ अपने टेस्ट ट्यूब में बॉटल से कुछ फ्लूइड निकाल के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। तो वैसे मिसेज हॉल डिनर के लिए पूछने के लिए आती हैं, बिना नॉक के अंदर आ जाती है, तो ये उसने गलती कर दी। अब जो स्ट्रेंजर है वो बिना चश्मे के उसको देख लेती है मिसेज हॉल और देखती है कि उसके आंख के नीचे इतना बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब अजीब तरीके का, मतलब कुछ स्ट्रेंज लगता है मिसेज हॉल को। तो जो स्ट्रेंजर है वो बोलता है कि आपको बिना नॉक के अंदर नहीं आना चाहिए था, मतलब अब जब भी अंदर आए तो पूछ के आया कीजिए, क्योंकि हमें शुरू से पता है कि स्ट्रेंजर को कितनी प्राइवेसी की जरूरत है। अब पता नहीं क्या रीजन है लेकिन उसको प्राइवेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उसके बाद जो स्ट्रेंजर बोलता है कि जो ये रूम की हालत हो रखी है ये मैं सही कर दूंगा, मतलब जो भी अगर गड़बड़ी होती है, जो नुकसान होता है उसको मैं रीपे कर दूंगा आपको, आप इस चीज की टेंशन ना लीजिए। तो मिसेज हॉल के रूम से बाहर जाने के बाद जो बाहर के लोग हैं, जैसे फेरेंसाइड जो कार ड्राइवर था या बाकी के लोग हैं, वो इस बात के ऊपर गॉसिप करना शुरू कर देते हैं और जो बात है, ये जो इंसिडेंट हुआ, वो आग की तरह आगे बढ़ती रहती है, फैलती जाती है। और जो लोग हैं उनको शक होता रहता है कि ये स्ट्रेंजर रहता है एक इनके अंदर और उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वो आइडेंटिटी को अपने छुपा रहा है, तो सबको अब डाउट होने लगता है कुछ ना कुछ, सब अपनी अपनी कहानी बिल्डअप करने लगते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको इस वीडियो को में समझ आया हो कि इस चैप्टर में हुआ क्या एग्जैक्टली जो कि मैंने समझाया आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, या जो भी आपके अपने व्यूज हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। इसी के साथ टाटा बाय बाय।